हाय, मैं हूँ मास्टर शेफ सीजन 3 विनर रिपु दमन हांडा और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर मंडे एंड फ्राइडे मिलूंगा मैं और मेरे साथ मिलेगी नई रेसिपी। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए, मैं एक पंजाबी हूँ और पंजाबियों की कमजोरी पता क्या होती है? पता है? खाना, और वो भी पंजाबी खाना। और मेरे से मेरे बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि क्यों ना पंजाबी खाना बना के खिलाओ। तो आज है पंजाबी खाने की बारी। हम बनाने जा रहे हैं पंजाबी पकोड़े वाली कढ़ी, वो कढ़ी जो मेरे घर पे बनती है। ठीक है, मेरी मम्मी मेरी दादी ऐसी रेसिपी बनाती थी और बिल्कुल कॉपी वही रेसिपी मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, पंजाबी पकौड़े वाली कढ़ी। शुरू करते हैं, बहुत सारा काम करना है। सबसे पहले बनाते हैं हम पकौड़े। अब पकौड़े के लिए सबसे पहले हमें करना है तेल गरम। डालते हैं हम एक पैन में तेल, और जब तक ये तेल गरम होता है चलिए तैयार कर लेते हैं पकौड़े। सबसे पहले डालेंगे इसमें हम स्लाइस अनियन, साथ साथ में डालेंगे इसमें हम ये फ्रेश जिंजर जो मैंने आज ही ऑर्डर की है ब्लिंकिट से, एकदम फ्रेश जिंजर। के साथ साथ डालेंगे इसमें हम गार्लिक, तीखेपन के लिए थोड़ी सी हरी मिर्च, और देखो खूब सारा धनिया जाएगा इसमें। धनिया के साथ साथ डालेंगे इसमें हम गरम मसाला। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक पंजाबी कढ़े के अंदर वो है धनिया पाउडर, थोड़ी सी मिर्च, और अच्छे कलर के लिए डालेंगे हल्दी। डालते हैं इसमें हम नमक। चलिए इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बेसन का इस्तेमाल क्यों किया नहीं इसमें अभी तक, तो डालते हैं अब इसमें हम बेसन। सबसे पहले बेसन और प्याज को हमने आपस में मिक्स करना है, इसलिए ताकि जो मॉइस्चर है इसके अंदर पहले वो अच्छा सा बन जाए, उसके बाद ही हम अपने हिसाब से डालेंगे इसमें पानी। ये हो गया, अब डालते हैं इसमें पानी। अब देखिए, कढ़ी के लिए पकौड़े बनाते हुए एक बात का ध्यान रखिएगा कि मुझे पकौड़े चाहिए सिर्फ एक क्रिस्पीनेस के लिए और प्याज के फ्लेवर के लिए। ठीक है, तो कभी भी आप कढ़ी के लिए पकौड़े बनाएं तो बेसन का इस्तेमाल कम करें, ताकि आप कढ़ी के साथ एक क्रिस्पीनेस और प्याज की मिठास का मज़ा ले सकें। अब यहाँ पर ये जो है ये एकदम परफेक्टली तैयार हो चुका है हमारा पकौड़ों का बैटर। अब यहाँ पर तेल भी गर्म हो चुका है, तो इंतज़ार इस बात का है, बल्ले बल्ले कर देते हैं, मतलब कि करते हैं इसको फ्राई। चलिए अब इसको निकाल लेते हैं बाहर। अब देखिए, अगर घर पर कढ़ी नहीं बनी तो पकौड़े तो बने गए हैं, साथ में चाय भी लीजिए एंजॉय करें। लेकिन अगर सब्र है तो पकौड़े के बाद कढ़ी ज़रूर बनाएं। शुरू करते हैं कढ़ी बनाना। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, डालेंगे इसमें हम बेसन। बेसन के बाद डालेंगे इसमें हम दही। अगर दही खट्टा हो तो अच्छी बात है, अगर खट्टा नहीं है तो कोई बात नहीं। अब डालेंगे इसमें हम ये बारीक कटा हुआ प्याज, साथ साथ में धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, अच्छा सा हल्दी पाउडर, नमक। अब यहाँ पर हमने इसको मिक्स करना है, बिल्कुल भी इनमें लम्स नहीं रहने चाहिए। इन शॉर्ट हमने बनाना है बटर मिल्क, लेकिन उससे पहले हम बेसन दही और इन सबको आपस में मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद डालेंगे इसमें हम पानी। जितना आपने बेसन का इस्तेमाल किया है उससे 5 गुना ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा आपको। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे बिना लम्स के, बिल्कुल भी बेसन की जो गांठें हैं वो नहीं होनी चाहिए इसमें।
अब देखिए जो कढ़ी है ना, कढ़ी को कढ़ी क्यों बोलते हैं? कढ़ी को कढ़ी इसलिए बोलते हैं कि वो एक तो कढ़ाई भी बनाई जाती है, दूसरा उसको कढ़ाया जाता है स्लो प्रोसेस से, यानी कि धीमी आंच पर उसको कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए पकाया जाता है, इसलिए बोलते हैं उसको कढ़ी, यानी कि कढ़ी हुई कढ़ी। तो अब बारी है कढ़ी को काटने का। अब यहाँ पर हम कढ़ाई गर्म करते हैं, कढ़ाई में डालेंगे हम सरसों का तेल। बिल्कुल सही सुना, ये कढ़ी का जो स्वाद है ना वो सरसों के तेल में ही है। सबसे पहले डालेंगे इसमें हम गार्लिक, गार्लिक के साथ से डालेंगे इसमें हम जिंजर, जीरा, साथ में डालेंगे इसमें हम लौंग, काली मिर्च, सूखी लाल मिर्च, मेथी दाना, साथ में डालेंगे थोड़े से हींग। अब इनको हल्का सा हम चलाएंगे। जैसे ही इसका हल्का सा कलर चेंज होता है, यानी कि गार्लिक भुनना शुरू होता है, यहाँ पर हम डालेंगे हमारा ये कढ़ी का मिक्सचर। देखिए उससे पहले डालते हैं इसमें हम थोड़ी सी हरी मिर्च, और इस वक्त हम डालेंगे इसके अंदर हमारा ये कढ़ी का मिक्सचर। अब देखिए अब बारी है इस कढ़ी को चलाने की। इसको हम कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए पकने देंगे धीमी आंच पर। हाँ, अगर आपको लगे कढ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो रही है तो इसमें आप थोड़ा पानी डाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसको अच्छे से पकने देंगे और फिर बस इसकी टेस्टिंग करेंगे। और पकौड़े भी तो हैं, पकौड़ों को ना बचा कर रखेंगे, क्योंकि मेरे घर में तो पकौड़े चोरी हो जाते थे, तो पकौड़ों को रखेंगे साइड पर, कढ़ी को देंगे पकने। चले 25 मिनट हो चुकी है, अब ये कढ़ी अच्छे से पक भी चुकी है। अब डालते हैं ऊपर से इसमें हम ये ब्लैक पेपर पाउडर। अब डालते हैं इसके अंदर गेम चेंजर, वो गेम चेंजर है ये कसूरी मेथी। ये डालने के बाद इस कढ़ी का फ्लेवर एकदम मज़ेदार हो जाएगा। परफेक्टली डन, कढ़ी की थिकनेस देख सकते हैं आप, एकदम प्रॉपर आ चुकी है। ये देखिए एकदम बढ़िया से नमक चेक कर लेते हैं। वाह, एकदम बढ़िया। बस अब क्या करना है, फटाफट से करते हैं इसकी प्लेटिंग। लेकिन प्लेटिंग से पहले तैयार करते हैं इसका एक तड़का। डालते हैं इसमें बटर, बटर के साथ डालेंगे थोड़ा सा ऑयल ताकि हमारा जो बटर है वो जले ना। डालते हैं इसमें हम गार्लिक, गार्लिक के साथ से डालेंगे इसमें हम थोड़ा सा जीरा, और डालेंगे इसमें थोड़ी सी हम रेड चिली पाउडर। तो ये तड़का एकदम तैयार हो गया है, गैस करते हैं बंद। चलिए शुरू करते हैं अब इसकी प्लेटिंग। अब आ रही है इसमें पकौड़े डालने की। ये डालते हैं इसमें पकौड़े, डिप कर देंगे इसके अंदर, क्योंकि डिप करने के बाद ना तो मज़ा आएगा पकौड़ों का। ऊपर से डालते हैं हमारा ये तड़का। गार्निश करते हैं थोड़ा सा धनिया। ये लीजिए, तो तैयार है हमारी ये पंजाबी पकौड़े वाली कढ़ी। बल्ले बल्ले, मतलब पंजाबी कढ़ी साथ में चावल
मैं ले रहा हूँ मज़े, आप भी लीजिए। और हाँ, जाने से पहले वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं तो खा रहा हूँ कड़ी।